संग्राम। भोजपुरिया संगीत के एगो रंग बिरंगी शैली बा फाग, प्रचंड गर्मी के मौसम में ठंडे जल के शीतलता से भरपूर त्योहार होली, जौना में गायल जाला फाग और होरी। सुर संग्राम के मंच से यूपी और बिहार के सूरवीर भी अब उड़ैहन होली के गुलाल। मची फागुन के धूम, निकली पिचकारी से रंगों के तान। देखी राजा बिस्किट सुर संग्राम में होली के रंग। पागल भैया, तुम तो ज्यादा ही बच के रहना हमसे। हाँ। आप सब लोगन के स्वागत करे के हमनी के जोरदार ताली बजा के अपने भोजपुरी संगीत के महासंग्राम सुर संग्राम। आज तो देखी हम का बताई, हमरा आवत आवत रास्ता में ऐसा लगल कि जवन मंच पर यहाँ धमाल मचल बटे आदरणीय मालनी अवस्थी भौजी के
मनोज जैसे जब देवर हो तो भौजी के खूब सतर्क होवे के चाहिए, भौजी के बहुत चौकस होवे के चाहिए। चौकस चौचक चौचक। मनोज जी आज कुछ होने वाला है, मुझे तो लग रहा है यही हो गया, शुरुआत हो गई और भी आगे भी है बहुत कुछ। तो हम जब रास्ता में आवत रही है ना भौजी, तो हमरा के कल्पना जी मिल गई है, हम कनी ऐसे बढ़िया होली नहीं बीत सकेला कि एक मनोज तिवारी और होली के रंग में चढ़ी खुमारी और संगे रही है दुई दुई सुरीली नारी, तब फिर का पूछे के बोला बम बम त्रिपुरारी। आज आप लोग के सही में नहीं जो रंग देखले बानी हम ना, हमरा लगत हटे कि आ एकरा से बढ़िया भाग्य का हो सकेला। भाग्य उदय आदमी का कबो कबो होला, भाग्य प्रबल होला और हमनी के सुर संग्राम में भाग्य प्रबल बाटे। हम चाहता नहीं कि दोनों लोगन के हम खुद अपने आप ले जाके मंच पे बैठे। मिठास रही बरकरार आज कई मस्ती इन लुटावत रही हमार सुर संग्राम अपन होली के रंग में प्यार, लेकिन हमार यूपी बिहार के लोग आप लोग हो जाए होशियार, कहे कि आज केवल दुई जज से काम न चली, आज हमनी के महफिल में एक अतिथि जज आ रहल बड़े जवन ही मुर्की के भी स्वाद से मिठा बाड़े, राजस्थान के मिट्टी के खुशबू जिनकर बॉलीवुड में बाटे एगो अलगे दौर। जोरदार ताली से स्वागत करी आ रहल बाड़े विनोद राठौर। कार्यक्रम में आके जो सम्मान बढ़ेले बनी ओकरा खातिर आपके बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक मिनट रुकिएगा, जब तक ई अबीर न लगल तो समझी कि होली। भैया ये जज लोगन से होशियार रहब, कहे कि लोग के अगल बगल अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। थैंक यू, कोनो चिंता नहीं। तो अब तीनों जज साहब लोग हो गए वाले अपनी जगह पे विराजमान और हमनी के शुरू करे के भोजपुरी संगीत के घमासान। ऐसे पहले कि हमनी के जंग के शुरुआत करे के हम आप लोग के बात बता दी कि आज से चक्रव्यूह संग्राम शुरू हो गए बटे। आज के एपिसोड में नंबर भी दिया ही और आज के एपिसोड में कुछ लोग
पास फेल भले ना होखे लेकिन वो चक्रव्यूह में जरूर फंस जाए। वो चक्रव्यूह में के फंसी एकर निर्णय हमार जज साहब लोग करिए। हालांकि तीन जज बाड़े, तीनों लोग के नंबर मिलावल जाए। कल्पना जी के और मालिनी जी के नंबर आज आप लोग के पता न चली। आदरणीय विनोद राठौर जी के नंबर पता चली और जेकरा के सबसे कम नंबर मिली वो चक्रव्यूह में फंस जाई। जे चक्रव्यूह में फंसी हो सकेला कि संगीत के युद्ध में होकर रथ के चक्का धंसी। इहो हो सकेला कि जे चक्रव्यूह में जाए अगर दोनों जज लोग के बाकी नंबर मिलावल जाए अगला एपिसोड के शुरुआत में तो हो सकेला वो चक्रव्यूह से वापस आ जाए। तो आप लोग एकदम क्लियर बनी जा, हाथ उठा के बताओ एक बार हमारे पार्टिसिपेंट लोग। चली ई शुरू हो गिल बाटे एगो नया रंग, एगो नया जंग, नया नियम चक्रव्यूह संग्राम के। और एकरा में हम बुला रहल बानी आदरणीय जज लोगन के अनुमति लेके। सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिलदार नगर गाजीपुर के मोहन राठौर के स्वागत करी जा। अरे खेला तो भी नली बधानिया है अरंगवा औरिया भी खेला तो भी नली आज।
गांव के होरी कबार के धो देले बड़े। अब देखा हम एक ही आदमी के पास जा सकी ना। भैया ऐसा लग रहा था कि मैं एक फिल्म देख रहा हूँ और आपकी परफॉर्मेंस वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान आपको बहुत खुश रखे और इसी तरह शेर की तरह गाइए। आप बिल्कुल शेर की तरह गाते हो, बस इसी को बरकरार रखिए बिल्कुल। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। आपने धमाल प्रस्तुत किया आज, बहुत 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 बढ़िया। कुछ बोलने को है ही नहीं, विनोद जी ने सब कुछ बोल ही दिया। मालिनी जी कुछ बोली? ए भौजी आज बतियाई, लेकिन मोहन से बतियाई मनोज, क्या बढ़िया धमाल आज सुनाई। खूब खूब जिया, गाजीपुर के दिलदार नगर के उत्तर प्रदेश के और लोक संगीत के नाम रोशन करें। धन्यवाद भैया। आप इनकी कितना मार्क्स देले बानी ये बता दी। मोहन को हमने 33 मार्क्स दिए, 40 में से 33 मार्क्स। जी हाँ। विनोद राठौर जी के नंबर तो के पता चल गए, लेकिन मालिनी जी और कल्पना जी का नंबर देले बड़ी जा ई तोहरा के अभी नहीं पता चली। ई पता चली तो के अगला एपिसोड में। और मोहन राठौर के गीत के संगे, होली के धमाल के संगे, आमने सामने बाटे यूपी और बिहार। ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली सिर्फ सुर के धार। देखत रहे अवाम सुर संग्राम। ए भौजी, अरे फागुन में भौजी बवाल कैले बा आही दादा। रे फागुन में भौजी बवाल कैले बा आही दादा। भैया या नाड़ी भौजी खिलाड़ी, टाले में रंगवा बहुते अगाड़ी। देवरन के जियल मोहाल कैले बा फागुन में, फागुन में, फागुन में। हे जोरदार ताली से स्वागत करे के अपने भगवान बिरसा के धरती रांची के रहे वाली रीमा वर्मा के। होली नयन पट
देखल जाए कि विनोद राठौर भैया का बोलते हैं। सबसे पहले तो रीमा जी, आपने इतना अच्छा गाया, बहुत सुंदर गाया, बहुत ही अच्छा, और दिल कर रहा था कि आपके साथ आके वहाँ पर डांस किया जाए। तो हम लोग तीनों जजों ने बहुत एंजॉय किया, एंड यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सर। रीमा जी मैम, सुर में सरस्वती के निवास हो गई बा, सुर में सरस्वती के निवास हो गई बा, यही से तुहार आवाज हमार दिल के कुछ खास हो गई बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा। होली का मौसम और ऐसा सुंदर गाना का करी, एक ही बात है जी। धन्यवाद मैम। कल्पना जी, कुछ कहे की जरूरत बा? हमेशा की तरह आज भी आपने छक्का मार दिया, बहुत बढ़िया। और बस रीमा एक बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरा गाया हुआ है और सब लोग अपने अपने हिसाब से गाते हैं, वो तो है ही, लेकिन एक जगह पे मुझे सिर्फ लगा शुरू में एडलिब में, धरती का देव धरती तक ले, ये चीज़ अच्छा से नहीं निकल के आया कुछ, बस उसी जगह, बाकी कहने की कोई जगह ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कह रही कल्पना। ये बताइए रीमा, गाना सीखी हो कहीं पे कि नहीं? हाँ मैम, थोड़ा बहुत सीखे होने के बाद इसकी माफी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। विनोद भैया, कितना नंबर आप दे ले बनी रीमा वर्मा के? रीमा जी के लिए मैंने टोटल मार्क्स इनके आते हैं 40 में से 32, 32 जी हाँ। सिया निकले बधवा के और बलिया के, एक के पॉइंट से सही, लेकिन उत्तर प्रदेश तो आगे चल रहा बा। और अब फिर से हम चाहत बनी कि एक सवाल उत्तर प्रदेश के तरफ आवे, और वो सवाल आई गोरखपुर के सुनामी, संगीत के सुनामी, जेकर नाम बाटे विजेता गोस्वामी। मोरा फागुन में जियरा बहके लला, मोरा फागुन में जियरा बहके, मोरा फागुन में जियरा बहके लला, मोरा फागुन में जियरा बहके, मोरा फागुन में जियरा बहके लला, मोरा फागुन में जियरा बहके, मोरा फागुन में जियरा बहके लला, मोरा फागुन में जियरा बहके, मोरा फागुन में जियरा बहके लला, मोरा फागुन में जियरा बहके। अरे बाप रे बाप, अभी तो ठीक बड़ी ना। देखिए भैया, यहाँ बहुत लोग बेहोश हो गिर जाते रहते, तू संभाल ले रही अपने आप की। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत था, थोड़ा सा सुर का मामला गड़बड़ है,
जब गाने का शो हो तो कॉन्सेंट्रेशन गाने पे कीजिए, प्रेजेंटेशन थोड़ा कम हो चलेगा, डांस थोड़ा कम हो चलेगा, लेकिन सुर से अगर आप हिल जाएंगे तो ये सुर संग्राम है, डांस संग्राम नहीं है ना। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आपका प्रेजेंटेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में आपका सबसे मुझे अच्छा लगा, मैं सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, और हमारी ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया। बधाई आपको, होली का पूरा मूड और मिजाज था गाने में, उलारा में, और बाकी सब कल पता चलेगा। आपके लिए बोल रही हूँ, फागुन के हवा खराब हो जाला, फागुन के हवा खराब हो जाला, नाहर के पानी भी शराब हो जाला, एमे केहू के दोस्त केहू दे ना सके, एमे केहू के दोस्त केहू दे ना सके, पत्ता पत्ता बेबजक गुलाब हो जाला। बहुत बढ़िया, वेरी सेंसुअस एक्सप्रेशन। अच्छा, आपने जो शेर सुना ये विजेता जी के लिए था या हमारे तिवारी जी के लिए था? ये तो क्लियर कीजिए। आप समझते हैं मतलब कुछ पूरी ना। आपने कहा कि मैं शेर सुनाती हूँ जी, तो क्लियर कीजिए ना, हमारे तिवारी जी के लिए था या विजेता सबके लिए? होली में सब पागल हो जाते हैं, होली में पता ही नहीं लगता कौन क्या है। यार एक साइन सुना दो इसी मूड में, एक बार साइन सुना दो यार। नहर के पानी शराब हो गिलवा भैया, ओकरा किनारे बसल सब लोग गुलाब हो गिलवा, निक लागे मरद भोजपुरी यार। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, गुलाब हो जाला। विजेता खातिर हम चलत नहीं विनोद राठौर भैया के पास, किनका है कितना नंबर दे ले बनिया। विजेता जी हैं 31, एक एक क्रम नीचे 31। जोरदार ताली से स्वागत करें विजेता गोस्वामी जी के। और ये जंग जारी बाटे, घमासान जारी बाटे, महासंग्राम में बुला रहल बानी बिहार। ओ लड़की के जवन झारखंड के गो मोती बिया, ओकर नाव साहू ज्योति बाटे। जोरदार ताली से आज स्वागत करी ज्योति साहू की। झंबलाल बुढ़वा करे धमाल, फागुन चढ़ल बा दहिया में, झंबलाल बुढ़वा करे धमाल, फागुन चढ़ल बा दहिया में, अरे झंबलाल बुढ़वा करे धमाल, फागुन चढ़ल बा दहिया में, झंबलाल बुढ़वा करे धमाल, फागुन चढ़ल बा दहिया में, फागुन चढ़ल बा दहिया में, फागुन चढ़ल बा और अगर आपकी तबीयत ठीक होती तो मुझे लगता है कि आप 100% गा पाती। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि आप सोच रही थी कि आप मैं आज अच्छा परफॉर्म करूंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो वो सोच में थोड़ा सा वो दिखाई भी दे रहा था, वो सुनाई भी दे रहा था। तो नेक्स्ट राउंड के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बट आपकी परफॉर्मेंस ओके थी, अच्छी थी। थैंक यू। होरी में कुल होरी के गुण मिलल, कुल रंग में दिखल,
लेकिन नंबर का तो ऐसा है कि अगले एपिसोड में हम लोगन के मना ही बता नहीं सकेंगे। मन में गुनिए और मेहनत करिए, कहे से कि आप बिहार के बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट हैं, बिहार रेजिमेंट की बड़ी तगड़ी सेनानी हैं, आगे जाएंगी। धन्यवाद ज्योति। मुझे पता नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया। धन्यवाद। नयापन था मेरे लिए और उस नयापन के साथ मैं भी बह गई और आपके साथ मुझे ऐसा लगा कि शुरू से मैंने होली आपके साथ मनाया, मुझे मज़ा आया और कुछ नहीं बोलना है। धन्यवाद। ज्योति के नंबर खातिर हम विनोद राठौड़ भैया से, मैंने आपको 29 मार्क दिए हैं 40 में से। सुर के धार सारा रा 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 सुर संग्राम सारा रा 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 सारा रा 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 रा। आज होली के रंग में हम बुला रहल बानी आपके बीच सुल्तानपुर के जवन गौला पर बना देत बा एक अलगे समा जुबेर आलम सारा रा 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 रा। होली के रंग में अपन संगीन के चिंगारी झोंक दे रही है। बालम रौरी सेज बालम रौरी सेज आवत के डर लागेला बालम रौरी सेज बालम रौरी से आवत के डर लागेला अरे एक राते अजोरिया है लाला एक राते अजोरिया अरे एक बालम रौरी से। इस गीत में मनोज जी खासतौर पे जो नायिका के जो हृदय के जो भाव रहल ओकरे सुन करके हम खाली यह कह चाहे कि काहे कि नखरा और नाज भी औरत के गहना है, ये हमार नहीं बल्कि दुनिया के कहना है। औरत के जौन संकोच बाकी कैसे हम आई होरी खेले देवरा भी सुतल बानी ससुरा भी बानी भसुरवा भी बानी कैसे हम आई तोरे संगे रौरे संग होरी खेले के मन बा भाव और विचार बहुत बहुत सुंदर है।
आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की, गाना भी बहुत अच्छा था जी सर। आप में जो रिदम है आपकी बॉडी में, बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख के और सुन के। शुक्रिया। गाने की शुरुआत में थोड़ा सी जो सुर था थोड़ा सा कम लगा था, फिर आपने संभाल लिया आपने आपको, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जीते रहो। कल्पना जी, मैं भी सहमत हूँ आपसे। बाकी अब तक हम लोगों ने जो भी सुना, जिस लेवल का था उस हिसाब से आज मुझे थोड़ा सा डाउन लगा। मीन्स जोश में मुझे ऐसा लगा कि और पावर परफॉर्मेंस होना चाहिए था। जैसे आप थोड़े कॉन्शियस होके गा रहे थे, मुझे आपके चेहरे में ऐसा दिखा, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा। और भी अच्छा हो सकता था भैया। इनके कितना नंबर दे ले बनी रुआ? बहुत मूड में आपने गाना सुनाया, मैंने इनको 32 मार्क दिए। अपनी जगह पे बैठ जा, कहे कि उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ेले बड़ा। और इन करे सवाल के जवाब देवे खातिन, जवन 32 नंबर के सवाल बाटे 40 में, हम बुला रहल बानी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करी, सूर के तो बजावो तिया डंका, गोपालगंज की प्रियंका। जमुना तट श्याम खिले हो रे, जमुना तट, जमुना तट श्याम खिले हो रे, जमुना तट। मालिनी जी से पूछा, प्रियंका जी, जैसे राधा के बिना कृष्ण अधूरे, वैसे राधा कृष्ण के बिना होरी अधूरी है। हमें सोचत रही के आई मंच पे जो राधा कन्हैया के ऊपर कोनो आधारित होरी के रंग हमके सुनाए। बहुत सुंदर गीत के चयन चुनाव, रंग एकदम ठेठ बनारस के होली के मिजाज में को देखे के मिलल। बहुत बहुत बधाई। आवाज के आपके मुरीद हैं बहुत पुराने। ये सही बात है कि पूरे दुनिया भर में ब्रज की होली बहुत ही प्रसिद्ध है, और सुनने का मौका मिला। आपकी आवाज़ बहुत ही, जैसे पहले भी मैंने बोला, बहुत ही इनोसेंस है आपकी आवाज़ में, बहुत ही स्वीट मीठी आवाज़। आवाज़ की धनी बाड़ी प्रियंका, और हम चल बनी विनोद राठौर भैया के पास। प्रियंका जी, मैं एक बार फिर से आपकी वो लाइन सुनना चाहूँगा जो आपने को सुनाया था, एक बार आप सुना सकती हैं फिर से? जमुना तट श्याम खिले हो रे,
जमुना तट श्याम खिले हो रे जमुना तट। वेरी गुड। ये जो गीत आपने चुना है बड़ा खूबसूरत अलग ही राग है, ये तिलक का मोद, और बहुत रेयरली लोगों ने इसे यूज किया है। इसमें जो भाव चाहिए था, एक रिक्वेस्ट, यू नो, एक रिक्वेस्ट है कि राधा जी एक रिक्वेस्ट कर रही है कृष्ण भगवान जी के, आइए लेट्स प्ले होली विथ मी, यू नो। वो रिक्वेस्ट मुझे दिखाई दी, मुझे सुनाई दी, और मुझे कहने में कोई टेंशन नहीं होता है कि प्रियंका जी आप एक मार्क्स सबसे ज़्यादा लेके गई है, आपको मैं 34 मार्क्स दिया हूँ। जाके अपनी जगह पे बैठ जा। गोपालगंज के प्रियंका, बिहार के पलड़ा कर दे रस भारी, और अब हम बुला रहल बानी उत्तर प्रदेश के सरारा आलोक पांडे गोपाल। का गुरु जी भैया, अब देखा तो बड़ा टेंशन बा जी। ये तो लड़किया एकदम धीरे से चुप चबा के बड़ा गहरा तीर मार देलस जी। तो आपके सवाल दागे की बटे न पारी। बिल्कुल दगबा। बिल्कुल कि भगबा जनाब दागे। ठीक बताओ जा। आज मोसे कुंवर कनाई रे कैसी हो री मचाई, आज मोसे कुंवर कनाई रे कैसी हो री मचाई, मोसे कुंवर
विनोद राठौर भैया। बहुत अच्छा गाया आपने, सिर्फ सुर आपके अच्छे लगते हैं, ठहराव बहुत खूबसूरत है, आवाज बहुत खूबसूरत है, ताल का थोड़ा लोचा है। हमारे भाई लोगों ने बहुत संभाला आपको, लेकिन एक या दो बार वो संभाल पाएंगे, तीसरी बार फिर आप गिर जाएंगे ना। तो थोड़ा सा ताल का आप कोशिश करें, जहाँ पे वो मात्रा गिरनी थी वो नहीं गिरी। शुरू की साइन की बात कर रहा हूँ मैं। आप जरा एक मिनट बजाइए उसको, जो आप गा रहे थे वही गाइए, ताकि आपको ये ना लगे, क्योंकि आप खुद सीखे हुए हैं और गुरु घराने से। ऐसी हो री मचाए, आगे गाइए। आज मोसे कुंवरा कन्हाए, कैसन हो री मचाए, अवीर गुलाल मलत मुख ऊपर मारत रंग पिचकारी। आप सीखे हुए हैं, आप समझदार हैं। विनोद जी ने जो कहा आप तुरंत समझ गए कि कहाँ पर त्रुटि हुई थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब परंपरागत कोई भी चीज उठाएं तो बहुत लोग कार्यक्रम ध्यान से देखते भी हैं, तो जितना सुर आपका पक्का है, जैसे आपने गुरु घराने की बनारस की लाज रखी इस चीज़ को उठाकर, मैं तो ये भी कहती हूँ थोड़ा सा लय का रियाज और करके, बाकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। शुरू से मैं आपको सुन रही हूँ, अलग अलग रंग आपने दिखाया, आज ये जो रूप मैंने आपका देखा, ये जो वॉइस की थ्रोइंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो एक अलग अंदाज था आपका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरे हिसाब से आप डगमगा गए। इस तरह के संगीत गाने के लिए बहुत साधना चाहिए, सही तरह से युद्ध में आए हैं आप, सही तरह का प्रिपरेशन चाहिए। देखिए, जो भी कल्पना ने बोला, अभी आपने टोकने पर जब दोबारा गाने को गाया है तो आपने ठीक गाया, यही फर्क पड़ता है रिहर्सल से। शायद प्रियंका ने एक जो माहौल बना दिया उसके बाद आपको लगा कि ऐसा, ये सब नहीं, यही गलतियां हम लोग कर जाते हैं कंपटीशन में, रियलिटी शोज में। लास्ट मोमेंट पे आप कभी भी जहाँ पे हो उधर ही अड़े रहना, चेंज नहीं करना है, क्योंकि या तो फुल्ली प्रिपेयर होके आओ। अब हम सीधे चलते हैं विनोद राठौड़ भैया के पास कि इनका के कितना नंबर दिले बनी है। आपका एक ताल के लिए मैंने एक मार्क कम दिया है। अगर आपकी ताल सही होती, अगर आप सही गा जाते हैं, तो आपको भी मैं 34 मार्क दे सकता, लेकिन मैंने आपको दिया है 33, यानी कि 33। 33 मार्क मैंने आपको इस गीत चुनने के लिए दिया है। बहुत अच्छा गाया आपने बेटा। चलिए जोरदार ताली से स्वागत करिए धनी आप आलोक के। भागा अपनी जगह पे बैठा, बहुत परेशानी में पड़ा रहा लड़का, आज दादा का हुई पता नहीं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पलड़ा एक बार फिर से ऊपर उठावे खातिर आलोक पांडे तैयार बना, और हम तो ये कह सकीना सारा रा 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 सारा रा रा। देखत रहे आवाम सुर संग्राम सारा रा 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 सारा रा 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 सारा रा रा। और हमने के कैसन मोड़ पे आगल बनी जा, जहाँ ये बात के खुशी भी हो रहा बटे, कभी कभी डर भी लग रहा बा कि पता नहीं हमनी के पार्टिसिपेंट लोग इतना तेज कैसे हो गए कि जज के देख के मूड बदलत अटे, डरा रहल बा कि घबरा रहल बा, पता नहीं का हो रहल बा। अब हम जेकरा के बुलावे जा रहल बानी उत्तर प्रदेश के आलोक पांडे के जवाब में जोरदार ताली से स्वागत करी मिथिलांचल के पूजा झा के। पूजा कैसन फील करत अड़ू? ठीक। तोहरा अगर बहुत परेशानी होखे तो तू अपन नामांकन वापस ले सकेलू? एकर कोनो जरूरत नहीं के, हम हमारे टीम के हमारे जरूरत बा, हम अपन टीम के लिए आखिरी सांस तक लड़ा। हम तोरे जोश के सलाम करतनी पूजा, और हम यही बानी ठीक ना, तो एकदम बिल्कुल हिम्मत से गावा और बिहार के दावेदारी प्रस्तुत करा। रंग रसिया रंग रसिया
पूजा, सबसे पहले तो इस बात के लिए बधाई। आपकी तबीयत कैसी पहले तो ये बताइए। मैम अभी भी बहुत अंदर वीकनेस है और गाने में भी सांस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कमाल की बात यही है कि आपने आज इस गाने से घर बैठे बहुत सारे लोगों को यही संदेश दिया है, जो गाना सीख रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं और इस तरह के मंच में आने की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। शो मस्ट गो ऑन। कोई तकलीफ हो लेकिन जब ललकार होती है तो इसी तरह से हुंकार के संग आवाज निकलनी चाहिए। आज आपने बहुत अच्छा गाया। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, बहुत बहुत बढ़िया। मैं तो जश्न मनाना चाहूंगी आपके साथ और बीमारी बीमारी भूल जाइए, कुछ नहीं है आपको। और रसिया मतलब मुरारी कृष्ण कन्हैया, और रंग रसिया मतलब यूपी बिहार के हमारे भैया। अच्छा, तो मैं आपके साथ मनोज जी एक साथ पूजा के लिए, पूजा की तबीयत ठीक हो जी, जी, जी। सारा रा 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 जोगी जी, सारा रा रा सारा रा रा सारा रा रा सारा रा 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 जोगी जी, सारा रा रा पूजा जी, सारा रा रा सारा रा रा। कौन बने कबूतर बोले कौन बने मोर, कौन बने मोर, कौन बने कबूतर बोले कौन बने मोर, कौन बहुरिया गौनी आईली लहंगा लेके चोर जोगी जी, बने कबूतर बोले वृंदावन में मोर, नया बहुरिया गौने आईली लहंगा लगल चोर बोला हाय हाय। बस मैं यही बोलना चाहूंगी, सब कुछ अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूजा जी, आपका सरने में पूजा झा, लेकिन मैं तो आज से बदलने चाहूंगा, नो बदल दूंगा। आप सारी अपने ऑडियंस को पूछ के पूजा गा, टेंशन नहीं यार। आपने आज जो गाया है ना, आप खुद भी याद रखेंगे जिंदगी भर के लिए कि आपने कितनी मेहनत की है और कितनी स्ट्रेंथ आपने अपने आप में लाई है। सुरों को भी संभाला, स्टेज को भी संभाला और अपनी टीम को भी संभाला, ये स्पिरिट आप ऑलवेज रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, आपने बहुत अच्छा संभाला। थैंक यू। पूजा गा को मैंने दिया है 30 marks from 40, 30 पूरे 30 40 में 30। जब पूजा गावत रही है तो मैं इनका चेहरा नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था कि कब लड़कती है हेरे से, क्योंकि पिछली बार जब ये गावत रही है तो हम ऐसे
अभी जात रहे इनका खातिर कुछ गाना गावे तो ले अचानक होते हाँ अका के धार से गिर गिल हमारे पास। क्या हुआ? सोच भी नहीं पास कर तनी भैया की वापस गई है ही और गई है तो 30 नंबर पे ही है 40 में ये हम नहीं सोच ली कहे कि तोहरा से कम नंबर आज ज्योति साहू के मिलल बटे और परफॉर्मेंस खातिर हम तो के बहुत धन्यवाद देतानी। हम बुला रहल वाली अपने उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के रहे वाली एक छोटी सी चुलबुली सुंदर सी जोरदार ताली से स्वागत करी जा अनामिका सिंह के। देखा तुम्हारे प्रतिद्वंदी तो बड़ा हम चाहते आगे ये और अच्छा गाएं और ज्यादा नंबर पावे इनका से तुम्हारा ढेर नंबर लिया हुए के बा ठीक बा लेकिन जेन स्थिति में गाई दी हम हो इतना गा पाए। चलो परफॉर्मेंस करो तुम्हारे विचार खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत गाया और गाना बहुत ही सिंपल था और आपने हर चीज को बहुत ही अच्छे से निभाया चाहे बीड़ी हो पान हो गुटका हो खैनी हो और एक्सप्रेशन में जवाब ही नहीं आपका इंप्रेस हूँ आपसे बहुत अच्छा गाया आपने जी। हम लोग जानना चाहते नहीं कितना नंबर दे ले बनी अभी से दे दें जी 33 मार्क्स 33 नंबर फागुन के मस्ती सवार हो गई सगरो बसंती बेयार हो गई होली के रंग में रंगाइल बा मन होली के रंग में रंगाइल बा मन यही से ऐसा विचार हो गई। धन्यवाद धन्यवाद मालिनी जी। हम इतने बात करब हौसला अफजाई में जी। हम इतने बात करब हौसला अफजाई में यही तरह आगे बढ़त रहे सूर संग्राम की लड़ाई में। धन्यवाद कितना आनंद मिलत बाटे ये रस भरल वाक्य उनके भौजाई में।
अच्छा जब आप हंसे नहीं तो आपके गाल जो टमाटर नहीं है जो लाल लाल हो जा रहा है। हो कर रंग और चोखा, और ईश्वर करें ये खूबसूरती के नजर न लगे, ये हमेशा ऐसा ही बनल रहे। अनामिका तो के 33 नंबर मिलल बाटे आज के शाम के दूसरा सर्वश्रेष्ठ नंबर, और चल के अपनी जगह विराजा, शायद तू चक्रव्यूह से अलग हो खजार बनलू, कोनो बात लिखे देखल जाए। आप बैठा, शरमाइल भी एगो चीज होला और घबराइल भी एगो चीज होला। होली में शरमाइला के भी आनंद है और घबराइला के भी आनंद है, लेकिन शरमाए कोई और घबराए कोई और। हम बोलावे जा रहल बानी ओह लड़का के जे बन गेल बाटे एह समय अपने बिहार के सिरमौर लखीसराय के बिहार आलोक कुमार के जोरदार ताली से स्वागत करे हुआ। होली के दिन मिली कि ना मिली, लेकिन आज भोजपुरी संगीत के महासंग्राम सुर संग्राम में जरूर मिली आप लोग के मिल रहल होई। और आलोक जी खातिर हम चल रहल बानी मालिनी जी के पास। आलोक जी, तुहार गाने से तो वैसे में बहुत प्रभावित बानी, और आज आपकी होली में सीखा हुआ गाना और खांटी गाना दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिला, इसके लिए बधाई। और नंबर तो बता नहीं सकते, लेकिन गीत में गति बा और गले में मधुराई बा, गीत में गति बा और गले में मधुराई बा, गायकी में जादू बा और आवाज में तरुणाई बा, अरे के संहार के रखी है बढ़िया। अरे फगुनी बे अरे अबदन सिहरावे, हाय फगुनी बे अरे अबदन सिहरावे, भीतर ले मन गुदगुदाला हो, चोली में रंग डाले आईले देवरवा, कई दे लस भारी घोटाला हो, चोली में रंग डाले आईले देवरवा, कई दे लस भारी घोटाला हो। बहुत बहुत मजा आया, मालिनी जी ने सब कुछ बोल ही दिया है, बहुत ही बहुत मजा आया। आलोक दा बहुत अच्छा लगा जब यहाँ से आप एंट्री लेके गए थे, आपकी चाल में कुछ बात है, आप जिस हिसाब से अभी खड़े हैं बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यार, ऐसे ही गाते रहो, खुश रहो।
भैया कितने नंबर जाके देते हैं? भैया नंबर हम दे दिए हैं 34 34 नंबर कहाँ देखा तेरा छोकर छोकर करने जगह पे चल जो तो सारा दुनिया देखत रही भोजपुरी संगीत के ही महासंग्राम आमने सामने बाटे यूपी और बिहार ना तो चली लाठी ना तलवार चली सिर्फ सुर के धार देखत रहे अवाम सुर संग्राम और आज होली के रंग दीवाना बनाई आज ये जंग दीवाना बनाई जहां सब लोगन के मन में धीरे धीरे तस्वीर साफ होके लागल बाटे कि के विनोद राठौड़ भैया जी के इशारा पर जगह बना रहल बा भंवर में मतलब के संदेह के घेरा में बा चक्रव्यूह में जाए में तो ऐसा मोड़ पे अब हम बुला रहल बानी 2-in-1 जिनकर घर बाटे मौनाथ भंजन जिनका के धमी नहीं कह दुनिया कहतिया नंदन चंदन दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन के होता सम्मेलन होली में आवे की बाटी खाली धोती पहिर के नहीं तो घघरा चोली में आवे की बाटी खाली धोती पहिर के नहीं तो घघरा चोली में दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन के दुनिया के आशिक दिल बुढ़वन के होता सम्मेलन होली में आवे की बाटी खाली धोती पहिर के नहीं तो घघरा चोली में आवे की बाटी खाली धोती पहिर के नहीं तो घघरा चोली में एपिसोड में होली के रंग की सबसे अलग ढंग की प्रस्तुति थी ये तो नहीं कह पाएंगे कि बहुत अच्छी प्रस्तुति थी अलग मिजाज था अलग अंदाज था होली से काफ़ी अलग मुख्तलिफ लेकिन गाया आप लोगों ने बहुत मूड से होली का जो त्यौहार का जो एक रंग है वो गाने में नहीं दिखा कहीं बाकी विनोद जी बताएंगे नंदन चंदन जी आप कमाल हो दोनों मतलब आप अगर मेहनत करते हैं तो गिनीज बुक में भी जा सकते हैं मुझे यहाँ तक इल्म है क्योंकि आपकी सांसें भी मिलती हैं आप जो ब्रीदिंग स्पेस लेते हो गाते वक्त बोलते वक्त डांस करते वक्त एंड करते वक्त ऐसा लगता है बिल्कुल मिरर इमेज हैं आप लोग एक दूसरे से खाली इतना है कि अभी जैसे शादी हो गई आप लोग की नहीं अभी नहीं शादी नहीं हुई गवाना भी नहीं हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ ना गवाना खा होगा अच्छा अच्छा ठीक है कोशिश करें कि जब शादी करो तो थोड़ा सा मतलब दो बहू आनी चाहिए मेरा कहने का मतलब ये है एक से नहीं चलेगा वरना टेंशन हो जाएगी मनोज भाई सही कह रहा हूँ कि नहीं 33 करोड़ देवता लोग भी ये मना रहल बा कि तू लोग दू गो शादी करा जाए मनते नहीं खसन मनोज भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे हॉलीवुड में बॉलीवुड में कुछ सिंगर ऐसे हैं नए सिंगर जो कि उतनी आवाज़ पावर उतना रखते नहीं हैं वो छुपाने के लिए डीटी करना पड़ता है यानी कि डबल ट्रैक में उनको गाना पड़ता है
तो अगर ये दो अगर हमारी इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो उन सिंगरों की छुट्टी हो जाएगी. यू नो गॉड ब्लेस यू. आप लोग बहुत अच्छा लगा मुझे. फर्स्ट टाइम आज मैंने देखा आप लोगों ने डांस किया. ये पहली बार हुआ आज. और फिर से भौजी की बात यहाँ पे आए मनोज जी. जी भौजी खास है क्या होली में? अरे भाई भौजी से खास क्या हो सकता? साली की बात कोई क्यों नहीं करता है? नहीं साली की बात होला. डीटी वॉइस में गाते हैं आप लोग और कमाल का सिंक भी होता है हमेशा. अच्छा लगा. ठीक लगा भैया. इन लोगों के नंबर दे दी थोड़ा सा. सर थोड़ा सा नहीं, मैंने तो इनको मार्क दिए 72 आउट ऑफ 40. अब क्या करेंगे बताइए. 72 मार्क्स दिए उसको मैं आधा कर रहा हूँ, यानी कि 34 मार्क्स मैंने 34 मार्क दिए हुए. सीधे चला और बाएं मुड़ के अपने जगह पे बैठ जाएगा. जोरदार ताली से स्वागत करें बिहार के छवि पांडे जी के. कितना असर छोड़ले बटे. एकरा खातिर हम सीधे चल रहल बनी कल्पना जी के पास. बहुत अच्छा लगा मुझे. सेम मैं बोलूंगी, स्वीट वॉइस. लेकिन मुझे आपसे और उम्मीद मुझे ऐसा लगा कि परफॉर्मेंस में और अच्छा होना चाहिए था. मैं कुछ कहना चाहती हूँ. जी जी बोलिए. एक्चुअली ये सॉन्ग मुझे, मैंने दूसरा सॉन्ग प्रिपेयर किया था इसके लिए, पर मेरा सॉन्ग कल चेंज हो गया था तो मुझे लिरिक्स नहीं याद था और मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी गाने के लिए. मतलब मुझे धुन तो पूरा याद था पर लिरिक्स हाँ मैंने हाथ पर से लिखा था. तो मैं जब गा रही थी तो मेरा आधा ध्यान तो इस पे था तो मैं अपना फुल दे नहीं पाई. तो आपने मना क्यों नहीं किया? नहीं नहीं आप रोइए मत. सुनिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है. और ये भी नहीं है कि बहुत बुरा हुआ है. सुनिए
आप निराश मत होइए, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जिस पे फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो आगे के लिए आप मत सुनिए, किसी का भी मत सुनिए। मेरा और एक लड़की का गाना सेम हो गया था, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। समझ गई, ये सब होता है। कोई बात नहीं, अच्छा था, ऐसा नहीं कि बुरा था, अच्छा था। लेकिन आप इतना अच्छा कर चुकी हो पहले, इससे हम लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी आपसे ज़्यादा है। डोंट वरी, अच्छा ही होगा। लेकिन मैं कल्पना से सहमत हूँ और जो आपने बात कही वो भी मैं मानती हूँ, क्योंकि हम लोग के संग भी होता है कि कभी गाना कॉमन हो गया, ये धर्म संकट भी आता है, थोड़ा सा शेकी ग्राउंड्स थे, बाकी होली का मन है, मूड है, तो आज गाना बढ़िया रहा, बढ़िया था। छवि जी पहले तो हंसी, आप एक स्माइल कीजिए, बढ़िया। एक बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने भले गाना लिखा हाथों में, लेकिन आपने जब म्यूजिक चल रहा था ना, उस म्यूजिक में आपने पढ़ लिया, आपने गाते वक्त हाथ नहीं देखा एक भी बार। आपका टैलेंट, आपका जो टैलेंट है, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप में बहुत अच्छी आवाज़ है, आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। मैंने आपको दिए हैं अगेन 34 मार्क्स, मैंने आपको 34 मार्क्स दिए हैं। अरे रे 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 रे, ये खड़ा रखा है भगत अड़ी। इनके संगे हमनी के आज के कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति हो गई आज के राजा बिस्किट सुर संग्राम के, और अब जा अपने कुर्सी पर विराजा। अब हम लोग के हाथ में आज के रिजल्ट आगे बटे, हालांकि रिजल्ट से आज कोई बाहर नहीं के ओखे वाला, लेकिन आज के परफॉर्मेंस तय करी कि अगले एपिसोड में के बाहर जाए वाले के श्रेणी में खड़ा बाटे। ओकरा के हमनी के भंवर के नाव दिल बनी जा, कहें कि चक्रव्यूह से थोड़ा सा वापस ले रहल बनी जा, चक्रव्यूह में के जाई ई मालिनी जी और कल्पना जी के नंबर मिलौला के बादे ही पता चली। हमरे हाथ में विनोद भैया के रिजल्ट बाटे, छुपल नहीं खे, सबके पता बाटे। अगर आप ध्यान से देख ले हो कब टीवी, तो आपके पता बाटे केकर एकर सबसे नंबर कम बाटे, कि आज भंवर में फंस गेल बाटे। आप लोगों के यादें हुई सबसे कम नंबर ज्योति के, और दूसरी नंबर जेकर 30 नंबर आयल बटे, जौन लड़की बेहोश होके पिछला एपिसोड में गिर गिर रहली, वो फिर भी परफॉर्म के ली, मिथिलांचल के पूजा झा के 30 नंबर बा। और तीसरा नंबर विजेता गोस्वामी, तोहार नंबर 31 बा, लेकिन फिर भी सबसे कम नंबर के आधार पे तोरा के भंवर में फंसे के पड़ी। और ए भंवर में गईला के बाद हो सकेला कि तू लोग वापस भी आ सकेला जा, जब अगला एपिसोड में हमनी के कल्पना जी और मालिनी जी के नंबर मिलाई जाए। लेकिन हमरा लगत नहीं के कहे कि जिसन चेहरा के भाव बाटे ओकरा से लगा था कि सब लोग सहमत बटे, लेकिन कुछ हो सकेला। मचल रही ई घमासान, आप लोग तो देखते बनी जा, जे जे देखत हुई, जहाँ जहाँ देखत हुई शो। हम धन्यवाद दे अपने विनोद राठौर भैया के कि आप इतना समय निकाल के हम लोगन के एक भोजपुरी के रियलिटी शो में आप आईली। जी होली पर घरे ना आके सीमा पर होली खेलेला, वो लोग भी आपके बहुत धन्यवाद देत हुई। और हम चाहब आप जात जात कुछ ऐसा रंग जमा के जाई कि हमनी के होली के हर रात रउवे नजर आई। तो एक बार हम चाहते नहीं कि कल्पना जी, मालिनी जी ही अगर आ जाए तो बड़ी कृपा रही। होली खेला तू जम के घूंघट मारी, खेला खेला तू जम के घूंघट मारी, निकला दे मरद भोजपुरिया सखी, निकला दे मरद भोजपुरिया, मरद भोजपुरिया सखी, मरद भोजपुरिया, मेरी लैला तू जम के घूंघट मारी, खेला खेला तू जम के घूंघट मारी, सारा रा 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 चुकी जी सारा रा 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 रा
तू जम के।